The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Hello friends, a very good afternoon to all of you. और आज गेस करो क्या हो गया है। यस गाइस, आज एक बहुत ही ऑसम सुपर डुपर अमेजिंग चीज हो गई है। यस गाइस, जल्दी बताओ क्या हो गया है। यस आई एम ग्रेट गाइस, आप लोग कैसे हो। हेलो, हाय प्रथम, हाय प्राची, जल्दी बताओ क्या हो गया। एग्जैक्टली नेहा, हाय फाइव, ग्रेट गाइस। यस, आज हम लोगों ने 7 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिया है। Amazing, right? Hi, high five, guys, everyone. बहुत ही बढ़िया. It's all because of you guys. Amazing. Kill कर लिया आप लोगों ने और हमने मिलके. Very good, guys. Amazing. It's you know, बहुत ही बढ़िया लगा आप लोगों को देख के. Amazing. Great. Yeah, I know, right? Amazing. आज special session करेंगे. अरविंद सर भी आएंगे. ठीक है, आज तो बहुत मजे करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे थोड़ी सी और मजे करेंगे बहुत ज्यादा, राइट। यस गाइस, आज तो दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली गिफ्ट हो गया है जी। यस, दिवाली गिफ्ट हो गया, आई नो, राइट गाइस। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग अस। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को, आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है हम लोगों में भी, आप लोगों से भी, ठीक है। एंड ये सब बहुत ही अच्छी फीलिंग है, ठीक है, और इससे भी बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी जब आप लोग आके हमसे मिलोगे आफ्टर योर एग्जाम्स। ठीक है, आप जब आके हमसे मिलोगे आफ्टर योर एग्जाम और आपको हमको बताओगे कि सर कैसा हुआ, ट्रस्ट मी, आपको इतनी सारी चॉकलेट्स देंगे ना आप आके हमसे मिलना, राइट गाइस। एंड थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव टू अस। ठीक है, कल ही हम लोग बात कर रहे थे अरविंद सर, हमारे एपी सर एंड ऑल। यस गाइस, तो यस, India's number one channel for NEET आज 7 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। बेटा किटकैट विटकैट छोटी बातें मत करो, सिल्क मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, सिल्क को भी एक दो नहीं बहुत सारी सिल्क, ठीक है। यस गाइस, तो या 7 लाख सब्सक्राइबर्स, ये हमारी जो वंडरफुल सी टीम है, सबसे अमेजिंग अरविंद सर, फिर अमेजिंग अमृत राज, अमेजिंग अंकिता मैम, देन गॉर्जियस गौरव सर, ठीक है, हेमंत सर, देन हर्ष एंड यू नो नोविता मैम, सब एकदम किल करे पड़े हैं। एंड यस गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, ठीक है। कल हम दिवाली फिर से करेंगे, ठीक है, कल मेरा एक और सेशन है, तो मैंने कहा आज क्यों छोड़ते हैं, आज भी पकड़ लेते हैं, आज भी क्लास करते हैं, आज भी पढ़ाते हैं, है ना। तो यस गाइस, तो एपी सर से भी मिलेंगे हम, ठीक है, और यस गाइस, ये मैं क्या और कितना बोलूं, आई एम सो ओवरवेल्ड, ठीक है, इतना मजा आ रहा है। आज बर्थडे भी है हमारे एक फ्रेंड का, पॉलोनी, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू। चलो तो अब और क्या बताऊं, मैं तो बहुत खुश हूं। आप लोग बोले तो और मस्ती करते हम, कोई बात नहीं, 1 मिलियन सुन, एग्जैक्टली नीरल, ग्रेट, 1 मिलियन सुन, एग्जैक्टली ग्रेट, अमेजिंग। चलो थोड़ा अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये एनिमल किंगडम कर रहे थे हम, हाँ जी, स्टार्ट करें गाइस। वैसे अभी तो सेलिब्रेट करने का चाहिए मेरे ब्रो, मन है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। यस गाइस, कूल, हाँ जी गाइस, अमेजिंग। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्या ऑनलाइन पढ़ के हम नीट क्लियर कर सकते हैं। गाइस ट्रस्ट मी, ऑनलाइन आजकल इतना बढ़िया हो गया है, इतना बढ़िया हो गया है, आप बस ये सेशंस देख के ट्रस्ट मी 100% 100 तो क्या 200% डेडिकेटेडली आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू गोना क्रैक, ठीक है, डेफिनेटली आप क्रैक करोगे नीट, ठीक है, हमारे साथ तो डेफिनेटली करोगे आप, उसमें कोई वो ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। द ओनली थिंग विच वी वॉन्ट फ्रॉम यू इज 100% एफर्ट, अब बस 100% एफर्ट करते रहो, ठीक है, हम लोग 200% अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, हम तो यहाँ वाटरमेलन का जूस बनाए पड़े हैं, ठीक है, आप आते जाओ और पीते जाओ, कूल गाइस। तो लेट्स बिगिन द सेशन गाइस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने एनिमल किंगडम स्टार्ट करा था यार, अभी तो और मेरे को सेलिब्रेट करने का मन है, बट समझ नहीं आ रहा सेलिब्रेट कैसे करें। हाँ जी, सेलिब्रेट कैसे करें यार, बताओ। अब यार
चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बीच बीच में देखते रहेंगे, कुछ समझ आए तो बताएंगे कैसे सेलिब्रेट करना है, ठीक है? तो यस गाइस अमेजिंग। तो एग्जैक्टली अब इसको जल्दी से ना यार क्या कहते हैं, 7 लाख से 10 लाख करो, कुल 1 मिलियन करो इसको जल्दी से, ठीक है? अब 1 लाख तो हो गया है, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करो गाइस। मतलब लाइफ का रियल मीनिंग स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट लिविंग फॉर अदर्स, ठीक है? द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ यू नो स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट लिविंग फॉर अदर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है? अगर आपकी दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व करती जाएगी ना, तो आप बहुत परेशान रहोगे, यार ये नहीं सही हो रहा, वो नहीं सही हो रहा, ये नहीं सही हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है? आप ये मत सोचो कि आप अपने लिए डॉक्टर बनना चाहते हो गाइस, आप मतलब दूसरे बाहर की पर्सपेक्टिव से देखो, लिव फॉर अदर्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो ना, आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, तो यू शुड थिंक कि इंडिया को आपकी जरूरत है, आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप डॉक्टर नहीं बनोगे तो इट विल बी अ लॉस फॉर द वर्ल्ड और इंडिया एज सच। अभी लाइक वर्ल्ड के लिए मैं तो बोलूंगा, आप तो इतने यू नो आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी है, पोटेंशियल है, आई वुड से फॉर अ वर्ल्ड, ठीक है? यू डोंट नीड 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 इंडिया एंड द वर्ल्ड नीड्स यू टू बी अ डॉक्टर। समझ आ रही है गाइस? अगर जिस दिन आपको लगे ना यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उस दिन सोचो कि यार मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा, मैं उस बच्चे के लिए पढ़ रहा हूँ जिसकी लाइफ को मैं सेव करूंगा, उसके पापा की जिसकी लाइफ के लिए सेव करूंगा, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? है ना, लाइफ स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स गाइस, तभी रियल लाइफ है, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, ऐसा होगा ना उस वक्त आपके पास पैसा भी आने लगेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, आपकी जिंदगी में सारी अच्छी अच्छी चीजें आने लगेंगी, क्योंकि जो छोटी मोटी पेटी चीजें हैं, जैसे कि पेटी चीजें क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ही डजंट लाइक मी, शी डजंट लाइक मी, है ना, और यू नो टेस्ट में नंबर नहीं आए, मेरे को ये खाना पसंद नहीं है, है ना, हॉस्टल में मम्मी की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, ठीक है? मतलब यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ, ऑब्वियसली आई लव माई सेल्फ, फर्स्ट लव इज यू, मतलब अपने आप से पहले प्यार करो, बट या लिव फॉर अदर्स, मतलब जो भी कर रहे हो किसी और के लिए करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी इट इज गोना बी द बेस्ट वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। एल्स आपने देखा ही होगा सारे अंकल ऐसे घूमते हैं, सारे मतलब जो भी अडल्ट आस पास देख लो अपने, ठीक है? सर दे विल बी लाइक ऑल लाइक दिस, गुस्से में रहते हैं, ग्रम्पी रहते हैं, अपने गार्ड को देख लो या हॉस्टल वाले अंकल्स को देख लो, है ना? अरे एक बार चक्कर मार के देखो, सब अंकल्स विल बी लाइक यू नो ग्रम्पी, एकदम काटने को दौड़ रहे होंगे, ठीक है गाइस? ऐसा नहीं बनना है, ठीक है? ऐसा नहीं बनना है। ऐसा क्यों क्यों हो जाते हैं वो, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं गाइस। आप आउटर सेंटर्ड बनो, ठीक है? एक्सटर्नल इसको कहते हैं फोकस करते हैं, ठीक है? तो ट्रस्ट मी यू आर गोना बी लाइक दिस, है ना? एंड ऑब्वियसली आप लोग यही चाहते हो कि आप ऐसे रहो, ऐसे ना रहो, ऐसे दिन भर सोचते रहो कि अरे यार मैं पढ़ नहीं पा रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं पसंद कर रहा, ये नहीं कर रहा, टीचर ने डांट दिया, मेरा नाम नहीं लिया सर ने यूट्यूब सेशन में, राइट? तो गाइस दैट्स व्हाट आई वांट टू से, लिव फॉर अदर्स। तो अभी इसमें हम सर ने इतना ज्ञान क्यों बांटा है, सर कह रहे हैं कि इसको भैया सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स से जाके, ठीक है? गो टेल योर फ्रेंड्स कि करो बेटा, इफ आई स्टार्ट सिंगिंग ना पूरा यूट्यूब बंद हो जाएगा बेटा है 6 and 7 एवरीथिंग इज देयर, या लाइक, हिट द लाइक बटन गाइस, हिट द लाइक बटन, देखा मैंने बोला ना, हिट द लाइक बटन गाइस, एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप गाइस, ठीक है? जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत लाइक यू वुड, खून आने लगेगा कानों में से, ठीक है? इफ आई स्टार्ट सिंगिंग इट्स सो बैड, मतलब आई विल ट्राई समटाइम बट नॉट टुडे, टुडे इज नॉट द राइट टाइम, है ना? देन एग्जैक्टली यस गाइस, तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो, ठीक है? यस गाइस, सो लेट्स बिगिन गाइस, है ना? स्टार्ट करते हैं। दशहरा बेटा, दशहरा खत्म हो गया, कौन है दशहरा वाले बच्चे? बेटा दशहरा नहीं, दिवाली आ गई बेटा, दिवाली दिवाली आ गई है, ओह माय गॉड, लोग टाइम में बहुत पीछे हैं बच्चों, ठीक है? 7 लाख सब्सक्राइबर हमारे क्रॉस हो चुके हैं और दिवाली आ गई है, दशहरा निकल चुका है बेटा, बहुत पुराना हो गया दशहरा, नया नया फेस्टिवल आ गया लाइफ में, ठीक है? यस, चलो गाइस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, ठीक है? आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यू नो स्वीट्स and happy memories this Diwali, ठीक है? और every day is a Diwali for me, like मैं तो ये कहता हूँ कि रोज ही दिवाली है, रोज ही बर्थडे है ना? जब मन करे तब दिवाली बना लो, right guys? Yes, you should live life like कि every day is a Diwali and every day is a, yes guys, birthday, right? तो birthday है, birthday, birthday तो रोज होता है, हाँ जी? Yes guys,
Cool. Let's begin the session, guys. Let's begin the session. है ना? बातें तो करवाते रहो. I am much talkative. Like you know, कोई बात नहीं. Sorry. तो guys ये सब कर चुके हैं हम. हाँ जी, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे. ठीक है, हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड देख लिया था. कूल. तो यस गाइस, हमने देखा भैया इतने सारे फाइलम हम पढ़ने वाले हैं. PCCP है ना, AAA, महक, MEHC, राइट गाइस, ये हमने देख लिया. PCCP, AAA, महक, राइट. वेरी गुड, आगे चलते हैं. ये पीछे हो गया, आगे चलते हैं. यस गाइस, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने. सेलुलर लेवल होता है स्पॉन्जेस में, टिश्यू लेवल होता है सीलेंट ट्रेट्स में, ऑर्गन लेवल होता है प्लैटी हेलमिंथिस में. ठीक है बेटा, ऑर्गन सिस्टम मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होने लग जाता है ना. तो एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, क्रोनेटा में ऑर्गन सिस्टम होने लगते हैं. ठीक है, देन हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम. ये ऑर्गन सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम है. ये ओपन हो सकता है या तो क्लोज हो सकता है. ओपन मतलब जब ऑर्गन जस्ट बेथ करते हैं सेल्स को, ठीक है, और क्लोज मतलब ऑर्गन के थ्रू जो सेल जाता है, सॉरी ऑर्गन के थ्रू जो ब्लड जाता है, राइट. थोड़ा आगे चलते हैं. सिमेट्री हमने देखा, एसिमेट्रिकल होते हैं जिनको हम काट ही नहीं सकते एक इक्वल हाफ में. कुछ रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं जिनको हम किसी भी एंगल से काट सकते हैं. ठीक है, और तीसरा होता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल. बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं ओनली इन वन प्लेन. जैसे कि आपको अगर मेरे को काटना है तो बस इसी प्लेन में काट सकते हो, है ना, ऐसे नहीं कर सकते. बेटा मेंटी का क्विज कल करेंगे हम लोग. कल हम 10 का दम में मेंटी का क्विज करेंगे. और गेस व्हाट, कल टी शर्ट कौन बांटने वाला है? कल कौन टी शर्ट देने वाला है? गेस करो. हाँ जी, गेस करो, कल मेंटी पे क्विज कौन कराएगा और कौन टी शर्ट बांटने वाला है कल? एग्जैक्टली. यस. हाँ जी, ठीक है. तो कल तो बेटा यह मैं बोलूंगा नहीं, जब भी मैं बोलता ना कि कोई गड़बड़ नहीं होगी तब ज्यादा गड़बड़ हो जाती है और कुछ होता नहीं है. ठीक है, तो यस, तो कल मेंटी पे क्विज करेंगे और हम टी शर्ट बांटेंगे, राइट. तो मूव फॉरवर्ड गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो रेडियल बायलेटरल हमने देख लिया था. ये कोई पूछा था बच्चा ये क्या है? ये बेटा हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, ये केकड़ा है, मिस्टर केकड़ा, दिस इज हाइड्रा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. डिप्लोब्लास्टिक हमने देखा था कि यार जर्मिनल लेयर्स होते हैं, जो कि जाइगोट जब बड़ा हो रहा होता है ना. जाइगोट, आप मैं और एक सेल थे, हम लोग जाइगोट थे, फिर हम दो सेल बने, फिर बड़े बड़े होते जा, बहुत सारे सेल, अभी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हो गए. तो हुआ क्या था, जब हम बॉल ऑफ सेल थे, जब हम बॉल एक सेल की बॉल थे, तब क्या हुआ, जो हमारे सेल थे ना वो बेटा एलिमेंट्री केनाल का टेस्ट होगा कल. ठीक है, टेस्ट नहीं मतलब मेंट्री पे हम एलिमेंट्री केनाल करेंगे. ठीक है, तो सब रिवाइज करना, बहुत अच्छे, वेरी गुड. कल गाइस सब एलिमेंट्री के नाल पढ़ के आना, ठीक है, रिवाइज करके आना, एंड वी विल हैव अ क्विज. ठीक है, वेरी गुड. तो यस, और एक और बहुत बढ़िया टिप देता हूँ, उसमें सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, वो भी पढ़ के आना. देखो इतना ईजी कर दिया मैंने. हाँ जी, तो यस, मूविंग फॉरवर्ड यस. तो जो बॉल ऑफ सेल्स थी वो तीन लेयर्स में अरेंज होगी. जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एक्टोडर्म कहती है, जो मिडल लेयर है मीसोडर्म, और इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर क्या होगी हमारी एंडोडर्म. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेरे को इमेजिन करो तीन कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर. जो आउटर मेरी ये स्किन वगैरह ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है एक्टोडर्म से. जो मेरे ऑर्गन्स है, हार्ट मेरा, मेरे लंग्स, मेरी किडनी वगैरह किससे बनी हुई है? मिडल हार्ट, लंग वगैरह, किडनी वगैरह किससे बनी हुई है? मीसोडर्म से. और जो सबसे मेरी इनर लाइनिंग, जैसे कि मेरा एलिमेंट्री केनाल है, मेरा ईसोफेगस है, उसके अंदर लाइनिंग है, मेरा ट्रकिया है, ट्रकिया की लाइनिंग है. अगर मेरे आप लंग्स को खोल देते हो, लंग्स को काट कैसे ओपन करते हो, तो उसके अंदर लाइनिंग है, वो सब एंडोडर्म की बनी हुई है, राइट. वेरी गुड यार. अब कुछ होते हैं उनमें बस एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होता है, उनमें मीसोडर्म होता ही नहीं है. तो वो तो लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. अगर तीन होगी तो लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए. ठीक है, तो ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. पी, ट्रिपल ए, महक क्या है, ये सब है हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक. एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म हम देख चुके हैं, आगे चलते हैं. ठीक है, ये देखो, जैसे जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें अगर आप देखोगे,
इनमें देखोगे यहाँ पे सेल्स नहीं है, ये मीसोग्ली है, मतलब सेल नहीं है, मतलब वहां पे सेल नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड है वो, मतलब सेल्स नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसमें कि एंडोडर्म है कि एक्टोडर्म है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ये मीसोग्लिया हो गया। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, देखो कितने दिख रहे हैं, ये सब सेल्स है, ठीक है। तो ये क्या है, मीसोडर्म, ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन। कूल गाइस, ये सब कर चुके हैं, ठीक है, मैं रिवाइज कर रहा था, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक्टोडर्म से ब्रेन भी बनता है, स्पाइनल कॉर्ड भी बनता है, नर्व्स बनती है, स्किन, नेल्स, हेयर, ठीक है। मीसोडर्म से हार्ट, किडनी, बोन्स, कार्टिलेज, एंडोडर्म से रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, पैंक्रियास, ब्लैडर, है ना। आगे चलते हैं। फिर हमने कहा सीलोम, भैया सीलोम का क्या होगा, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीसोडर्मल सेल्स। मैंने बताया था जैसे कि अगर आप मेरे अंदर के सारे ऑर्गन निकाल दोगे तो एक कैविटी बची रहेगी, ठीक है, उस जिसमें आप कपड़े वपड़े डाल के ले जा सकते हो, बट पुलिस पकड़ लेगी। यस, तो सीलोम इज बॉडी कैविटी लाइंड बाय द दिस थिंग, और इसमें क्या होता है बेसिकली, ये कैविटी बिटवीन माई स्किन एंड माई गट, स्किन एंड माई गट, गट मतलब जो मेरा एलिमेंट्री कैनाल, गट मतलब ये होता है जैसे कि मेजरली स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक, ये वाले रीजन को गट कहते हैं। तो मतलब मेरे स्किन और गट के बीच में, मेरे स्किन में से गट को निकाल दोगे तो जो स्पेस बचेगा ना, एम्प्टी स्पेस, वो होगा हमारा कैविटी, ये सीलोम, ठीक है। तो सूडोसीलोमेट एस्केल्मिंथेस होते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आता है कि सूडोसीलोमेट कौन सा है, एस्केल्मिंथेस, अभी हमें तो पता है ना, ए सीलोमेट कौन सा है, प्लैटीहेल्मिंथेस, ठीक है, और सीलोम वाले कौन से हैं, सीलोम वाले सारे एनिलिड्स से, सारे सीलोम वाले हैं। कूल, यस गाइस, वो ये पीछे चल रहा है, गुड। तो जैसे कि हमने बकरे को काटा था, हमने इसको तो काटा, इसे हमें समझ नहीं आया अर्थवर्म से, फिर हमने कहा चलो ठीक है एक बकरा काटते हैं, तो व्हेन वी कट इट, तो हमें समझ आया कि ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब ये देखो ऐसे काटा है तो इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ऐसे काट के यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, और ये इसका स्किन है, तो एलिमेंट्री कैनाल और स्किन के बीच में ये जो गैप है इसको हम कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे, चलो एक और बात कर लो, सीलोम इज एब्सेंट इन, जल्दी बताओ, सीलोम इज एब्सेंट इन, यस गाइस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म हु आर सूडोसीलोमेट्स बट बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल मतलब दो हाफ में काट सकते हो, और सूडोसीलोमेट है, सूडोसीलोमेट मतलब ना एक ही है सूडोसीलोमेट, कौन सा है सूडोसीलोमेट, अरे यार बेटा सूडोसीलोमेट कौन है, इतना गलत कैसे कर सकते हो बेटा सब बच्चे एक होता है थोड़ा गलत होना, एक होता है बहुत ही ज्यादा गलत होना, अभी तो बताया था मैंने एक ही सूडोसीलोमेट है, है? है? डी कौन कह रहा था, लाइक स्टार्टिंग आई सॉ लॉट्स ऑफ डी, वो डी वाले बच्चे कहां भाग गए बेटा, सूडोसीलोमेट अभी तो बोला था मैंने एक ही सूडोसीलोमेट है, एस्केल्मिंथेस, हाँ जी याद कर लो, सूडोसीलोमेट मतलब एस्केल्मिंथेस, ए सीलोमेट मतलब प्लास्टीहेल्मिंथेस, ये डी वाले बच्चे का, कौन सा बच्चा डी बोल रहा था मेरे को, अभी मैं चैट चेक करूंगा बाद में, यस गाइस, कल ही करा था ना, यस्टरडे वी डिड दिस, अच्छा पिछले का दे रहे थे क्या, ओ ओके ओके चलो कोई बात नहीं, सॉरी माई बैड ओके ओके सॉरी ओके ओके बेटा शून्य, आई गॉट इट, सॉरी माई बैड आई एम रियली सॉरी, बहुत मैंने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया, आई एम सॉरी, ओके आई एम रियली सॉरी बेटा, सॉरी लाइक कूल गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड है ना, ये क्या हो गया, फिर से सब्सक्राइब कर लो बेटा, सब्सक्राइब वगैरह कर लो। सेगमेंटेशन भी हमने देखा था गाइस, सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, जब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट्स, है ना, इक्वल सेगमेंट मतलब सारे सेगमेंट्स इक्वल है और उनमें से कुछ ऑर्गन्स रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे कि पैरापोडिया होता है, पैरापोडिया ना चलने में हेल्प करती है, ये जो ये ना एनेलिडा होता है, सॉरी या इसको हेल्प करती है, ठीक है। तो जिसका इसकी बॉडी को आप सेपरेट सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो और सब में सेम रिपीटिंग यूनिट्स आएंगे, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन।
ठीक है. अब ऑर्थोपोडा में भी सेगमेंटेशन होता है, बट उसमें क्या करते हैं, इसमें तीन सेगमेंट करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. आप देख रहे हो ये इवॉल्व हो रहा है, ये इवॉल्व हो रहा है. पहले यहां से इवॉल्व हुआ, मतलब पहले तो सारे सेगमेंट्स एक जैसे थे, फिर ये थोड़ा और इवॉल्व हुआ, फिर बस हेड, थोरैक्स, मतलब ये वाला रीजन, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन बना. फिर थोड़ा ये और इवॉल्व हुआ है ना, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन बना. फिर ये थोड़ा और इवॉल्व हुआ और हम लोग बन गए. तो समझ रहे हो, जब कीड़े वीड़े को मारते हो तो याद करो कि दे आर योर एंसेस्टर्स, ठीक है, उनको पेल रहे हो. सॉरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नोटोकॉर्ड मैंने डिस्कस कर लिया था. यस गाइस, नोटोकॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक, जो कि हमारे में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम में. ठीक है गाइस, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, नोटोकॉर्ड ना कार्टिलेज की बनी होती है, वो ना फ्लेक्सिबल रहती है, नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबल रहती है, बट जैसे हम बड़े होते हैं, ये क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है. कुछ ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड ही रहती है. समझ आ रही है मेरी बात, है ना? तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ. कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ हो सकती है? लार्वल स्टेज हो सकती है, ठीक है बेटा, लार्वल स्टेज हो सकती है, या फिर एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो सकता है, या फिर जब अडल्ट हो गया तब नोटोकॉर्ड आ जाए. अगर किसी भी लाइफ के फेज में उनके नोटोकॉर्ड आ जाए तो मैं क्या कहूंगा, भैया वो है कोर्डेट. समझ आ गया, वेरी गुड, है ना. एग्जाम्पल, नॉन कोर्डेट मतलब ऑब्वियसली कोर्ड जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा. और वो कहां पे होता है गाइस? वो होता है मेरे डॉर्सल साइड में. डॉर्सल मतलब बैक साइड में होता है. ठीक है गाइस, आगे चलें. यस, वेरी गुड गाइस. ये कोर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जब हम कोर्डेट करेंगे तब भी पढ़ेंगे, बट अभी भी देख लो कि ना, जो भी कोर्डेट्स होते हैं ना, उनके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहला होता है प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड मतलब वो जो बैकबोन जैसा, यार अभी कोई ढांचा खड़ा कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग सम बिल्डिंग यू नीड सम पिलर ना. पिलर क्यों डालते हैं अभी बिल्डिंग में? पिलर क्यों डालते हैं? ताकि वो बॉडी स्टेबल रहे, ताकि बिल्डिंग स्टेबल रहे, गिरे ना, है ना. लाइकवाइज जब आप कोई ह्यूमन या कोई डॉग कैट कुछ भी बना रहे होते हो तो आपको एक बेस चाहिए होता है. वो बेस क्या होता है? नोटोकॉर्ड. अभी दशहरा वाले फ्रेंड्स कह रहे हैं, रावण वावन बनाया बचपन में आपने, रावण बनाते हैं तो क्या करते हैं, रावण के बीच में एक डंडी रखते हैं, फिर उसके अराउंड हाथ वाथ लगा के यू नो बनाते हैं फॉर सपोर्ट, तो वो नोटोकॉर्ड होता है. तो ये पहला कैरेक्टर होता है प्रेजेंट ऑफ अ नोटोकॉर्ड. सेकेंड गाइज, हॉलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. क्या होता है गाइज? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है. डॉर्सल मतलब बैक साइड में हॉलो मतलब, गाइज आपने देखा है ना, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल होता है, ये देखा था, याद है हमने. हमारे अगर स्पाइनल कॉर्ड देखोगे, ये स्पाइनल कॉर्ड देखोगे तो इसके अंदर गाइस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक हॉलोनेस होती है, मतलब एक कैविटी रहती है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है. याद है आप लोगों की? भूल गए ये कब पता. यस गाइस, समझ आया? यस एग्जैक्टली राइट. तो गाइस, ऐसी नर्व कॉर्ड अगर होनी चाहिए, सारे कोर्डेट्स में ऐसी नर्व कॉर्ड होती है. नर्व कॉर्ड मतलब कंट्रोलिंग द बॉडी. नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड अलग है, नोटोकॉर्ड इज फॉर बेस, नर्व कॉर्ड इज फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी. आर यू टू अंडरस्टैंड? कोई बैठी बेटा, डॉक्टर टॉम रिवाइज करो जाके, ठीक है. थर्ड थिंग इज गाइस, फेरिंजियल गिल स्लिट. फेरिंजियल गिल स्लिट मतलब जो गिल्स होती है ना, वैसा जो एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करे. आप कहोगे सर हमारे पास गिल्स कहाँ हैं? हमारे पास फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स रीजन में, गिल स्लिट्स. आप कहोगे सर हमारे तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती नहीं है, बट हम फिर भी कोर्डेट्स हैं. यस और नो? क्वेश्चन आया दिमाग में ऐसा कि नहीं आया? तो बट मैं तो कह रहा हूं कि कोर्डेट होने के लिए फेरिंजियल गिल स्लिट्स होना जरूरी है. मैं तो कह रहा हूं कि क्यों बेटा, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज.
ये कब होता है? फेरिंजियल गिल्स होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोगों, आपने देखा है कि फिश का एम्ब्रियो, चिकन का एम्ब्रियो, बर्ड का एम्ब्रियो और ह्यूमन का एम्ब्रियो सब एक जैसे लगते हैं जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं. आपने देखा है एवोल्यूशन, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ना फाइलोजेनी रिकैपिटुलेट्स ऑन्टोजेनी, सॉरी ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, राइट? पढ़ा है नहीं? यस गाइस, है ना. उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग अ एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट रिपीट्स इट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ही और शी रिपीट्स इट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. मतलब हम लोग फिशेस से इवॉल्व होके आए हैं, हम लोग बर्ड से इवॉल्व होके. आपको समझ आ रही है इसके बारे में? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? यस गाइस, आर यू टू अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली, है ना. ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, राइट? तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ द ऑर्गेनिज्म रिपीट्स, तो उस टाइम पे एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारी फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी होती हैं, और पोस्ट एनल टेल भी होनी चाहिए. पोस्ट एनल टेल का हमारे एंसेस्टर्स में थी, ठीक है. तो आप देखोगे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी हो सकती है. आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस? बट दीज थ्री थिंग्स, नोटोकॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर नेसेसरी फॉर कॉलिंग एनीवन एज अ कॉर्डेट, राइट? तो ये अभी भी मैंने बता दिया है, टुवर्ड्स द एंड फिर से बताऊंगा. तो क्या होगा, यू नो, फीड हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड. अब गाइस करेंगे हम पहला फाइलम. हमें समझ आ गया क्या क्या कैरेक्टर्स देखते हैं गाइस. अब मेरे को डिवाइड करने के लिए कौन से कैरेक्टर्स देखने थे. पहला मैंने देखा कि हाँ यार, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. फिर मैंने देखा सिमेट्री क्या है. फिर मैंने देखा ट्रिपलोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है. फिर मैंने देखा कि क्या कहते हैं, सीलोम है कि नहीं है, ठीक है. फिर मैंने देखा सेगमेंटेशन है कि नहीं है, ठीक है. फिर मैंने देखा नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, है ना. तो ये सब चीजें देखनी है हमें. अब ये सब चीजें हम क्या करेंगे, हर एक फाइलम में देख देख के हम लोगों ने उनको सेपरेट कर रखा है. कूल, आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस एवरीवन? हां जी. तो पहला फाइलम क्या था गाइस? पी सी सी पी था. तो पहला पी कौन सा था बेटा? पूरा एनसीईआरटी, 0% आउटसाइड. एनसीईआरटी में रखेंगे पूरा, ठीक है. पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आएंगे 2 या 3, ठीक है. तो उसके लिए सर नहीं फोड़ना हमने. हमने बहुत ही डेडिकेटेड स्टडी करेंगे और ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ आपका, आप 80% क्वेश्चन कर लोगे. और मतलब मेरा फोकस ये रहेगा ताकि आपको इमेजेस ज़्यादा दिखाई जाए, ठीक है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं. तो इमेज बेस्ड रहेगा पूरा एनसीईआरटी के. आपको द होल पर्पज विल बी कि आपको प्योर एनसीईआरटी, नथिंग मोर देन दैट, है ना. एंड या सो दैट यू कैन डू क्वेश्चन, एग्जाम्पल सारे याद रहे, ठीक है. और मेरे ख्याल से अभी तक आपको तो याद भी हो गया होगा थोड़ा बहुत फाइलम, ठीक है. इतनी बार रिपीट करूंगा ना मैं कि वो पूरा एकदम ऐसे लेकिन हैमर हो जाएगा, लाइक अ नेल इन योर ब्रेन, ठीक है. फिर चाह के भी कोई खींच निकाल नहीं पाएगा. रात को भी आपको याद आएगा, अरे पूरी फेरा में तो होल्स होते हैं, है ना. तो यस गाइस, तो पूरी फेरा बताओ क्या होता है. पोरी फेरा क्या होता है? थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा. पोरी, पोरी मतलब पोर्स होंगे सर, ठीक है, समझ आ गया सर, पोर्स हो गए इसमें, ठीक है. और क्या होगा गाइस? पोरी फेरा पोर्स हो गए. और क्या होगा मतलब इसमें क्या होता है गाइस? मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है. पोरी फेरा क्या रहता है, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं इसके नोटोकॉर्ड के बीच. पोरी फेरा में गाइस होता क्या है ना, ये देखो ऐसा होता है ये यार, ये ओके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं यहाँ पे, पोर्स हैं, ठीक है. तो इसलिए इसको हम पोरीफेरा कहते हैं. देखो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है. तो ये कैनल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. अब इसको आंख भी दे देते हैं, ठीक है. ये पोरीफेरा है हमारा. तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसके पास होल्स होते हैं, पूरी बॉडी में होल्स हैं, ठीक है. इस होल्स को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑस्टिया. इसको कहते हैं हम ऑस्टिया, ठीक है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है. तो क्या होता है गाइस, ये वाटर, मरीन एनिमल होता है ये, मरीन रहता है. तो वाटर इसके अंदर से जाता है, वाटर इधर से जाता है और यहां से बाहर आ जाता है. तो इसको कहते हैं हम, वाटर यहां से आएगा और ये यहां से निकल जाएगा, है ना. ये जो ओपनिंग है जहां से वाटर निकल रहा है, इसको कहते हैं हम ऑस्कुलम, है ना. ऑस्टिया इज द पोर जो जिससे वो अंदर जाता है और बाहर आता है ऑस्क्यूलम से. सही, तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है. अब यार ये पानी अंदर जाता है और बाहर क्यों आता है,
पानी अंदर जाता है और बाहर क्यों आता है? यस गाइस, एग्जैक्टली, ताकि अब फूड, इसको जो भी खाना चाहिए ये फूड मटेरियल लेके आएगा, वाटर, वाटर ऑक्सीजन भी लेके आएगा, और जो वेस्ट मटेरियल इसको निकालना होगा वो भी यहां से निकल जाएगा, फॉर ऑक्सीजन, फॉर फूड, ये सारा वाटर में से आएगा। और पोरीफेरा हम कहते हैं इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। पोरीफेरा क्या होता है, कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है। इसमें कौन सा लेवल का होता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। फिर गाइस दूसरा इसमें देखते हैं और क्या था, सिमेट्री। सिमेट्री ये एसिमेट्रिकल होता है, मतलब आप इसको इक्वल हाफ में काट ही नहीं सकते, ठीक है, आप इसको इक्वल हाफ में काट ही नहीं सकते, ठीक है। फिर ऑब्वियसली फिर जर्मिनल लेयर, ये सब तो केस बनता ही नहीं है, समझ आ गया। तो अभी हम देख लगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ऑस्टिया है, बहुत सारे होल्स हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, और उसमें जाता है और निकल आता है। अब गाइस इसमें ना एक बहुत ही स्पेशलिटी होती है, एक तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉलर सेल्स। यहां पे इसके अंदर कॉलर सेल्स नाम की चीज होती है जो ऐसे होते हैं, ठीक है, ये इनको कहते हैं कॉलर सेल्स। क्यों, अब देख रहे हो इनके इनके कॉलर जैसे ऐसे है, तो ये देख रहे हो ये कॉलर की तरह है, ये ऐसे कॉलर की तरह है, तो इसको हम कॉलर सेल्स कहते हैं। तो ये जो इसकी इसकी कैविटी है ना, यहां पे सब जगह पे ये कॉलर सेल्स लगे होते हैं, इनकी कैविटी पे क्या लगे होते हैं, ये कॉलर सेल्स लगे होते हैं, एग्जैक्टली इनको क्या, यस गाइस आर यू टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। तो इनकी इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनके में बहुत सारे पोर्स होते हैं, कॉलर ऑस्टिया है, और एक अपर पोर होता है ऑस्क्युलम थ्रू विच द थिंग्स एग्जिट, ठीक है, और इनमें कॉलर सेल्स होते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है, बस कुछ है ही नहीं। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब गाइस ये जो डाइजेशन होती है वो सेल के अंदर होती है, जो फूड होता है ये फूड इसके अंदर जाता है और सेल के अंदर डाइजेशन होती है। अब कहोगे सर ये इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का फर्क क्या है, कौन बताएगा, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में फर्क क्या है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ बताओ, हाँ जी बेटा, सी मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो पहले स्टमक में डाइजेशन होगा, फिर इंटेस्टाइन में होता है ना, मतलब खाना पहले सेल के अंदर जाके वहां डाइजेस्ट नहीं होता, पहले हम खाते हैं बाहर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर जाके सेल्स में जाता है। इनमें क्या होता है, खाना सीधा सेल के अंदर जाता है, इसके अंदर जाएगा सीधा खाना और यहीं पे डाइजेस्ट होगा, इसके अंदर जाएगा यहीं पे डाइजेस्ट होगा, ऐसा कोई नहीं कि डाइजेस्टिव जूसेस बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, डाइजेस्टिव जूस नहीं बन रहा है यहाँ पे। आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस, समझ आ गई इतनी बात, बहुत ईजी बात है बट ठीक है कोई बात नहीं, यस एवरीवन आर यू टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। हाँ, आउटसाइड द सेल व्हेन एंजाइम्स आर पोर, मतलब एंजाइम्स डाल देते हैं उसको, मतलब यू नो तोड़ने के लिए, कूल समझ आ गया। बस यही दो तीन चीजें हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं भाई, लाइक और ना इनमें कैनाल सिस्टम होता है, इनमें क्या रहता है, कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम मतलब जिसमें से ये देखो ये क्या हो गया, ये कैनाल सिस्टम हो गया ना, कैनाल मतलब जहां से वाटर जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉइलम इज नोन फॉर हैविंग कैनाल सिस्टम, ये तो हमें पता ही है सर, ये तो पोरीफेरा है, समझ आएगा। इस कैनाल सिस्टम किसमें होता है, पोरीफेरा में, कूल। और एग्जाम्पल्स स्पॉन्जेस, राइट, देख लेते हैं यार, ये तो स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है, पोरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस, वेरी गुड सर। फिर ये तो मरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल, मरीन मतलब बेटा सॉल्ट वाटर, ओशंस वगैरह में रहने वाले, ठीक है, मरीन मतलब सॉल्ट वाटर, ओशन वगैरह में रहने वाले, फ्रेश वाटर एंड मरीन, मरीन मतलब जो ओशन वाले वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर वाले जो रिवर में रहते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल भी है ये, तो सर सही बात है सर, ये तो एसिमेट्रिकल है, इनमें क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल मतलब सेल्स को जॉइन करके बना हुआ है, कोई टिश्यू इशू नहीं बनता इसमें, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर सिस्टम है और कैनाल सिस्टम है, ठीक है, इसमें पोर्स है कॉल्ड एज ऑस्टिया, हमने देखा था ऑस्टिया जो ओपन उसके बाहर वाले साइड में होते हैं ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील जो कैविटी थी, जो गाइस ये वाली कैविटी थी, ये जो कैविटी थी इसके बीच में, ये क्या थी, ये थी हमारी स्पॉन्जोसील,
समझ आए गाइस, जो ऐसे था मेरा स्पॉन्जिया, ये जो बीच की जो कैविटी है ये क्या है, स्पॉन्जोसील। ऑस्टिया से पानी स्पॉन्जोसील में आता है, स्पॉन्जोसील में आता है और यहां से ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है। यस गाइस, आर यू टू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। देन देयर इज ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम क्या था? जो ऊपर वाला ओपनिंग था जहां से वो वाटर बाहर जाता था। राइट गाइस, फंक्शन क्या है स्पॉन्जेस का गाइस? फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल। खाना गैदर करना, ऑक्सीजन लेके आना सेल के अंदर और वेस्ट को रिमूव करना। गाइस इसमें पीएचडी नहीं करनी पोरी फेरा पे, ठीक है? पीएचडी नहीं करनी पोरी फेरा पे इतना काफी है, ठीक है? इसके स्केलेटन में स्पाइक्यूल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है? अब इसमें नहीं, इसमें इसके मतलब एक्चुअली अगर आप बाकी जगह देखोगे ना, बहुत ही ज्यादा डिटेल में दे रखा है। बट गाइस ट्रस्ट मी, क्वेश्चन आने होंगे तो इसमें से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? बाकी जो बच्चे वो इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं ना, वो भी नहीं कर पाते इसमें से सॉल्व, क्योंकि उनको भी याद नहीं रहता, ठीक है? तो ऐसी जगह टाइम क्यों वेस्ट करना जहां पे कुछ प्रोडक्टिविटी आई नहीं रही है? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, ठीक है? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है। तो आगे चलते हैं, ये देखो, है ना? लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज, है ना? देखो यहां से वाटर जा रहा है, वाटर ड्रैग्ड इनटू द एंट्रेंस, पोर्स से वाटर अंदर गया। ये जो कैविटी है ये स्पॉन्जोसील है ना, ये ऑस्टियम है और यहां से बाहर आता है ऑस्क्यूलम से, वाटर फ्लोइंग थ्रू मेनी ऑस्टिया, ठीक है? ये तो क्लियर है। देन यहां पे देख लो, जैसे मैंने बताया था पोर्स है यहां पे, ठीक है? अब बुक्स में तो क्या देखा है, अमीबोसाइट सेल का फंक्शन क्या है, ये फ्लैजेलम क्या करता है, ये सब नहीं पढ़ना। बस ये देख लो कि कॉलर सेल्स होते हैं, है ना? कॉलर सेल्स होते हैं, है ना? यहां पे देन फ्लैजेलम होता है इनमें, जो कैप्चर कर लेता है वाटर, आता है यहां से और यहां से बाहर निकल जाता है, बस इतना ही है। राइट, कॉलर सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, है ना, क्वानोसाइट्स। यस गाइस, कम हियर, यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखो हमारे सुपरस्टार आ गए हैं यहाँ पे। Hey guys, 7 lakh, thank you so much. मैंने यही बता रहा था, मैंने कहा आज बताया था मैं इनको, मैं कहा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा मेरा। India's biggest YouTube channel. How are you, Prem, Ashu, Nikita, Amish, Tom, Garima, Hey? मैं इनको बुला रहा हूँ। सबको congratulations करो। सर को क्या, सबको करो। मैं तो इनको congratulations कह रहा हूँ। Hi, hi, hi. आप सबको yes congrats. और तुम लोग पढ़ क्यों ले रहे हो Animal Kingdom? पता नहीं कितना important topic है। नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम स्मार्ट बच्चे एकदम। कल मैं देख रही थी, बहुत अच्छे से कर रहे थे, लगे हुए थे। हाँ, नहीं, these are really good kids. और मैंने कहा ये आप ना एग्जाम देके हमसे आके मिलो तो वानी मैम और हम बहुत सारे चॉकलेट देंगे इनको। यस यस, चॉकलेट भी बहुत कुछ देगा। मैं बता रहा हूँ वानी मैम, आप आओ, हम लोग आपसे मिलेंगे। लैपटॉप शॉपटा वाइपर आई मैकबुक सब बांट के आओ तो सही, मुझे भी दे दो। मैं तो आ गया। वारी मैम की एनर्जी एंड स्वीटनेस ग्रेट। भैया वारी मैम दे सकती हैं। यस आई नो राइट, कूल कूल, चलो बेटा। हाँ जी, तो यार हम ये कॉलर वॉलर पढ़ रहे थे, तो यस गाइस, आई गेस दिस इज वेरी क्लियर राइट। वी वुड लव टू मीट यू गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। यार आई नो राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। एग्जैक्टली, देखो कॉलर सेल के बारे में भी है, तो आई वॉज टेलिंग यू, सी या क्वानोसाइट, देयर आल्सो कॉल्ड एज क्वानोसाइट्स, कॉलर सेल्स आर कॉल्ड एज क्वानोसाइट्स, है ना? दे लाइन द स्पॉन्जोसील और द कैनाल। हमने देखा था ना, ये जो कैनाल था यहाँ पे, ये लगे पड़े हैं, यहाँ पे ये लगे पड़े हैं, ठीक है? यहाँ पे ये हैं, यहाँ पे हैं ये, राइट, लाइक दिस। यस गाइस, है ना? देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जैसे हमारे फ्रेंड कह रहे थे, स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। मतलब अब स्पाइक्यूल्स क्या है गाइस, इसके अंदर क्या होता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? मतलब स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके स्केलेटन को बना रहे हैं, स्पॉन्ज। मतलब अब खड़ा है ये एक ऐसे खड़ा हुआ है, तो इट शुड बी हैविंग सम बेस, वो बेस किसका है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का है, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है गाइस, सेक्सेस आर नॉट
सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही है, राइट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रैगमेंटेशन से. फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, मतलब ये टूट जाता है और उसमें से, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है गाइस, जैसे कि अगर मान लो मेरा हाथ कट गया तो मेरे हाथ से एक अमृतराज आ जाएगा, ठीक है, मेरे हाथ के एक फ्रैगमेंट से अमृतराज आ गया, मतलब दो दो अमृतराज, दो दो बायो टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ आ रही है. फ्रैगमेंटेशन आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है. देन गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें. इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन कैसे होती है गाइस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है लार्वल स्टेज के बीच. अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी मतलब इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. और डेवलपमेंट गाइस इनडायरेक्ट. अब देखो दो तरह की डेवलपमेंट होती है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है. डायरेक्ट मतलब जैसे कि ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में बेबी बाहर आता है, ह्यूमन बेबी ही बाहर आता है. बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वल स्टेज होती है, जैसे कि अब फ्रॉग होता है, फ्रॉग का लार्वा बनता है, टैडपोल बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा टैडपोल, फिर उसके बाद फ्रॉग बनता है ना. लाइकवाइज ह्यूमंस में सीधा ह्यूमन का ह्यूमन ही निकलता है. आर यू टू अंडरस्टैंड, जब लार्वल स्टेज होगा तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे. गाइस कूल, समझ आ गया, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. क्या क्या याद रखने वाली बात है, ऑस्टिया याद रखना है, ऑस्क्यूलम याद रखना है, स्पॉन्जोसील याद रखना है, क्वानोसाइट और कॉलर सेल्स याद रखना है, ठीक है, क्वानोसाइट और कॉलर सेल्स याद रखना है. देन और क्या था हमारा, स्पाइक्यूल्स और यू नो स्पॉन्जिन फाइबर का स्केलेटन है ना. सेक्सुअल एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है ना. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बस, ठीक है. आई गेस मेन सबसे पॉइंट पर तो कॉलर सेल्स याद रखना, कैनाल सिस्टम होता है इसमें, है ना. और क्या होता है, स्पॉन्जोसील होता है, स्पाइक्यूल्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं. अब तो मेरे को तो लगता है कोई जो लेमैन होगा उसको भी समझ आ जाएगा, मेरे गार्ड यहाँ पे घूम रहे हैं उनको भी समझ आ गया होगा कि पोरी फेरा क्या करता है. हाँ जी, एग्जाम्पल वेरी 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 टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट. गाइस आपको ये डायग्राम दे देंगे, कहेंगे ए क्या है, बेटा ए है साइकॉन, ए है साइकॉन, ठीक है, बी है यू स्पॉन्ज और द बेज स्पॉन्ज. गाइस कॉमन नेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा मैच देयर विद द कॉमन नेम, है ना. यू स्पॉन्ज या बेज स्पॉन्ज, ये है यू स्पॉन्ज या, देन स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये गाइस याद कर लो, दोबारा देख लो अच्छे से, मैं तो दिखा रहा हूँ आप देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ये दे देंगे और कहेंगे आइडेंटिफाई ए बी सी डी, और उसको ये भी कह सकते हैं कि इसको ये भी कह सकते हैं कि आप इनको मैच करो विद द कॉमन नेम. साइकॉन को स्काइफा भी कहते हैं, यूस्पॉन्जिया को बेज स्पॉन्ज भी कहते हैं, है ना, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं. समझ आया गाइस? हाँ बेटा आपने बोला था, बहुत ही स्मार्ट हो आप आशीष, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो आप. हाँ जी समझ आ गया गाइस, ठीक है. एक और बार देख लो, ये क्या है हमारा साइकॉन, इसको हम क्या कहते हैं, स्काइफा, ठीक है. ये क्या है, यूस्पॉन्जिया, इसको क्या कहते हैं हम, बेथ स्पॉन्ज, बेथ मतलब बेदिंग, नहाने वाला स्पॉन्ज, ठीक है. ये क्या है, यस गाइस स्पॉन्जिला, एग्जैक्टली, सी वेरी गुड, दिस इज स्पॉन्जिला. ये क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. गाइस ये ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे याद नहीं होगा, इसको डाउनलोड करना पीडीएफ को, ठीक है, इसको डाउनलोड करना पीडीएफ को, और मतलब जब भी रिवाइज कर रहे होगे, कम से कम जब भी आप टेस्ट देने जा रहे होगे एक बार देख के जाना. एंड ट्रस्ट मी, ये बाय द टाइम आप एग्जाम लिखोगे 6 महीने बाद, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा फीड हो चुका होगा, ठीक है. तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पोरी फेरा कर लिया है. नेक्स्ट क्या था, सीलेंटरेटा और नाइडेरिया. अब मुझे इसके बारे में थोड़ा बता दो, किसी को पता है तो, सीलेंटरेटा और नाइडेरिया को क्या पता है. अरे यार टाइम तो बहुत जल्दी जा रहा है, चलो जल्दी करते हैं, ये खत्म करते हैं पहले. सीलेंटरेटा और नाइडेरिया क्या पता है आपको, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, फिर पांच का पंच भी तो करना है हमें, है ना, राइट, पंच, एग्जैक्टली बेटा. हैंड रिटन तो बहुत ही बढ़िया, हैंड रिटन मतलब बस कीवर्ड्स लिखते जाओ, एग्जैक्टली. हमारे फ्रेंड कह रहे हैं सर जेलीफिश होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और क्या होती है बेटा, बेटा मेड्यूला नहीं होता, मेड्यूसा होता है वो. वेरी गुड, नाइडेरियन सेल्स होते हैं, वेरी गुड, सही कह रहे हो, नाइडोब्लास्ट होते हैं, हाँ जी, है ना, एडाम्सिया एक एग्जाम्पल होता है ना,
वेरी गुड. नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, पॉलीपेड मेड्यूसा होता है, दो फॉर्म्स होते हैं, है ना. कुछ कुछ यार एक ऑल्ट्रेशन कुछ करके आता है ना, भूल गया मैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ क्या कहते हैं, कुछ होता है ना इसमें, जल्दी बताओ क्या होता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ, एग्जैक्टली ओबेलिया करता है. ओबेलिया क्या करता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ हाँ जी बेटा, जनरेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है ना, जिसमें यू नो है ना. वेरी गुड. तो ये सब कीवर्ड्स हैं, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं हमारे, ठीक है गाइस. वेरी गुड, थोड़ा आगे चलते हैं. तो सॉरी आगे चलते हैं, ये तो कर ले पहले. देखो ये एक्वाटिक होते हैं, यस गाइस, एक्वाटिक होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, सेसाइल एंड फ्री लिविंग. रेडियली सिमेट्रिकल मतलब आप इसको किसी भी एंगल से काट सकते हो, राइट. इसको आप किसी भी एंगल से काट सकते हो. अक्वाटिक है ना. सेसाइल मतलब एक ही जगह पे खड़े हैं, मतलब सेसाइल मतलब मूव नहीं कर सकते, सेसाइल मतलब मूव नहीं कर सकते. और फ्री लिविंग भी, मेड्यूसा जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, पॉलिप एकदम सेसाइल होता है. मेड्यूसा आवारा होता है, घूमता रहता है, पॉलिप बैठा रहता है, ठीक है. वेरी गुड यार, समझ आ गई. आगे चलते हैं. जैसे कि हमारे फ्रेंड्स कह रहे थे, सर इनमें इनके पास होते हैं नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल्स होते हैं, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल्स होते हैं. गाइस होता क्या है, जैसे हाइड्रा देखा होगा ना आपने, हाइड्रा देखा होगा ना, ये हाइड्रा देखा है ना आपने, तो हाइड्रा के ना टेंटैकल्स होते हैं, हाइड्रा के टेंटैकल्स होते हैं. तो यहां पे ना नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल्स होते हैं, जो कि प्रे को पकड़ने के, ये इनके इनके ना वो हथियार टाइप्स होते हैं, वेपन टाइप्स होते हैं, ये उसको इंजेक्ट करके पकड़ के खा जाते हैं, ठीक है, अपने टेंटैकल्स पे. इनके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल्स, ठीक है, जिससे वो किल करके उसको खा जाते हैं. समझ आ गई है ना. तो ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल. स्टिंगिंग मतलब डसने वाले कैप्सूल, स्टिंगिंग स्टिंग करना, ठीक है, मतलब स्टिंग को बिंदी मोर क्या कहते हैं यार, स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है. इनको कहते हैं नेमेटोसिस्ट और ऑन द टेंटैकल्स, नेमेटोसिस्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटैकल्स, ठीक है, इनके टेंटैकल्स हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइस, समझ आई. देन दे आर हेल्पफुल इन एंकरेज डिफेंस कैप्चर ऑफ प्रे. किस चीज में हेल्प करते हैं ये, यस गाइस, एंकरेज, एंकरेज मतलब एंकर होके एक जगह पे खड़े रहे, ठीक है, डिफेंस में एक दूसरे को, यस गाइस, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को कोई इनको खाने आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कैप्चर ऑफ प्रे, किसी प्रे को कैप्चर करने के लिए. कूल गाइस, ऑब्वियसली बेटा इसमें न्यूरॉन्स मतलब उस लेवल के नहीं होते, थोड़ा व्हाट शुड आई से, नॉर्मल लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है, सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है. इसमें देखोगे ना आप, टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, एज डेवलप्ड नहीं रहता, बट यार थोड़ा कोऑर्डिनेशन रहता है बाकी टिश्यूज के बीच में, ठीक है बेटा, है ना. तो देन गाइस ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना, डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है बस, ठीक है. और क्या है गाइस, और क्या है गाइस, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी रहती है. गैस्ट्रोल वैस्कुलर कैविटी मतलब एक ही ओपनिंग है, इसमें क्या है, एक ही ओपनिंग है, खाना यहीं से आएगा और यहीं से बाहर जाएगा, ठीक है, खाना यहीं से आएगा और वेस्ट भी यहीं से बाहर जाएगा. तो इसको क्या कहते हैं, सिंगल ओपनिंग है ना, माउथ जिसको कहते हैं हाइपोस्टोम. इसके पास बस एक ही ओपनिंग है जिसका नाम है हाइपोस्टोम. यस गाइस समझ आई, इसके पास एक ही ओपनिंग है जिसका नाम है हाइपोस्टोम. हाँ जी राइट. जैसे कि ये है, ये हमारा हाइड्रा है, तो यहीं से खाना अंदर भी जाएगा और वेस्ट बाहर भी जाएगा, इसको कहते हैं हम हाइपोस्टोम. कूल, इतनी समझ आ गई. इसमें टिश्यू लेवल होती है, ठीक है, ब्लाइंड सैक, बॉडी प्लान, यस गाइस, है ना. देन और क्या हुआ, स्टिंगिंग कैप्सूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. इसमें नाइडोसाइट्स हैं, नाइडोब्लास्ट्स हैं, और पोरीफेरा में क्या थे गाइस, पोरीफेरा में नहीं, नाइडेरिया में क्या थे, नाइडेरिया में सीलेंट्रेटा में क्या थे हमारे, सीलेंट्रेटा तो अभी कर रहे हैं, नाइडेरिया में क्या है हमारे, नाइडोब्लास्ट, पोरीफेरा में कॉलर सेल्स, राइट, और हुआनोसाइट्स. कूल राइट, कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा, नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट, पोरीफेरा, हुआनोसाइट्स, कॉलर सेल्स. आगे चलते हैं, डाइजेशन गाइस. डाइजेशन हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर
है ना, और इंट्रासेलुलर दोनों है, डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी है, इंट्रासेलुलर भी होता है ना। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, स्केलेटन किस चीज का मेड अप है, किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम सॉरी स्केलेटन किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा, राइट गाइस। पॉलिप जैसे मैंने बताया स्टेबल है, और मेड्यूसा इधर उधर घूमता फिरता रहता है, राइट गाइस। हियर अगेन देखो, पॉलिप जो है हमारा, इट इज सेसाइल सिलिंड्रिकल, हाइड्रा एंड एडम्सिया आर एग्जांपल, देखो ऐसा है, इट इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल, कैन सी ये सिलिंड्रिकल है, वेयर एज मेड्यूसा आप देखोगे इट इज फ्री स्विमिंग, अम्ब्रेला शेप, ये कैसा है, अम्ब्रेला शेप रहता है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये अम्ब्रेला शेप रहता है, इसके टेंटैकल्स टुवर्ड्स द डाउन साइड रहते हैं और पॉलिप के टेंटैकल्स अपर साइड की तरफ रहते हैं, यस गाइस, यस, आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस, एग्जांपल इज ऑरेलिया और जेली फिश, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप देखोगे, यस यस गाइस, या ऑरेलिया, दिस इज मेड्यूसा, ठीक है, अम्ब्रेला शेप, इनके टेंटैकल्स देखोगे आप नीचे की तरफ को है, ठीक है, एडम्सिया पॉलिप, इनके टेंटैकल्स ऊपर की तरफ को है, राइट, और ये सिलिंड्रिकल है, ये अम्ब्रेला होती है ना हमारी, अम्ब्रेला टाइप है, यस गाइस, और ये जो हमारा सेल है ये है नाइडोब्लास्ट सेल, ये देख रहे हो ये स्टिंगिंग कैप्सूल इसकी, ये अटैक करके प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है, कूल गाइस। दूसरा कहता मैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है गाइस, पॉलिप बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस मेड्यूसा, मतलब पॉलिप क्या करता है, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा फॉर्म करता है, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बनाती है, समझ आया, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को फॉर्म करते हैं, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनाता है, ठीक है, मेड्यूसा फिर गैमेट्स वगैरह रिलीज करता है, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, राइट, गैमेट्स फ्यूज होते हैं और क्या बनता है, पॉलिप बन जाता है, राइट, आई हैव टू अंडरस्टैंड गाइस एवरीवन। हां जी कमलेश जी क्या हो गया आपको, हां जी, दे डू नॉट हैव नर्व टिश्यू बट दे हैव नर्व सेल्स रिटन ऑन द पेज नंबर 360 316 फिफ्थ लाइन, बट एनसीईआरटी का तो आई गेस पहले वाले चैप्टर है ना ये, एनसीईआरटी का तो ये फर्स्ट चैप्टर है बेटा, उस साइड है ना ये 316 पेज नंबर, कहाँ चले गए आप, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो बेटा आप कमलेश जी, हाँ जी कोई बात नहीं, यस बेटा ऑब्वियसली नर्व सेल्स विल बी देयर, है ना, एनसीईआरटी बेटा इट इज इन द फ्रंट चैप्टर्स, आप थोड़ा आई गेस थोड़ा ओके नो प्रॉब्लम, नर्व सेल होंगे उस पर, ठीक है, दे हेल्प इन कंट्रोल, ऑब्वियसली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, बट एज अ हाई लेवल, हायर लेवल कौन वो नहीं है हमारे पास, जैसे कि ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड है, वैसा हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑब्वियसली ना इट इज आइडेंटिफाइंग की प्रे आ गया, इट इज कैचिंग द प्रे, है ना, इट इज कैचिंग द प्रे, है ना, एंड ईटिंग इट, प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स, तो हाँ थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का थोड़ा बहुत है मतलब, बट उतना हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनमें, ठीक है, इवॉल्विंग चल रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत लेवल में उसमें है, सेल्स होंगे अगर आपकी बुक कह रही है, सेल तो है, सेल्स तो है, हाँ जी, यस गाइस कूल, ऑल्टरेशन गाइस खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया, ठीक है सर, हेमंत सर पंच करेंगे नहीं तो मेरे को, कि पांच का पंच नहीं करने दे रहा मेरे को, तो मेरे को पंच मार देंगे, हाँ जी, यस गाइस समझ आई, तो मैं कह रहा था पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है, ठीक है, और मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बनाता है, आर यू टू अंडरस्टैंड, जैसे कि ये मान लो ये पॉलिप है, ये पॉलिप है, पॉलिप से एक मेड्यूसा बन गया, ये मेड्यूसा थोड़ा घूम फिर क्या है, मेड्यूसा घूम फिर क्या है, इसने गैमेट रिलीज करे, दो मेड्यूसा ने यहाँ पे एक और पॉलिप बना देते हैं, ठीक है, तो अब मेड्यूसा पॉलिप तो स्टेशनरी है, हमने पढ़ा था पॉलिप सेसाइल है, पॉलिप यहीं बैठा रहता है, ठीक है, इसने क्या करा, मेड्यूसा बना के छोड़ दिया, मेड्यूसा घूम रहा है, इसने गैमेट वैमेट रिलीज करा, ये जाइगोट बन गया, है ना, ये जाइगोट आके यहाँ पे बैठा और यहां पे एक और पॉलिप बन गया, गाइस समझ आए,
समझ आ गई, आई गेस इजी है। पॉलिप खड़ा रहता है, उसने मेड्यूसा बना के छोड़ दिया, दूसरे पॉलिप ने एक और मेड्यूसा बना के छोड़ दिया, दोनों उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गैमेट्स बनाया, आया जायगोट बना, जायगोट आके जैसे ही सेटल हुआ वो पॉलिप बन गया, फिर ये दोबारा पॉलिप बड़ा होगा, फिर ये मेड्यूसा बना के छोड़ देगा, मेड्यूसा फिर घूमेगा, मेड्यूसा फिर गैमेट छोड़ेगा, गैमेट फ्यूज होंगे, जायगोट बनेगा, जायगोट आके रिवर की बेड पे लगेगा और एक पॉलिप बन जाएगा। समझ आ रहा है? पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाते हैं, मेड्यूसा में दो लोग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जायगोट बनता है और सेक्सुअली एक पॉलिप बनता है। समझ आया? नहीं, आई गेस इजी है। गाइस एग्जांपल बहुत ही एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओबेलिया, हमारे किसी फ्रेंड ने ही बताया था, ओबेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। कूल? यस गाइस, सो लेट्स एग्जांपल, गाइस एग्जांपल देख लेते हैं। फाइसेलिया है ना, ऑल्सो नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया ऑल्सो नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो लग भी रहा है डेंजरस सा, नहीं वो जो दाढ़ी वाले होते हैं ना, इट लुक्स डेंजरस है ना, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। कूल गाइस, याद रखना कॉमन नेम भी याद रखना, ऐसा नहीं कि भूल जाओ, डायग्राम याद रखो और कॉमन नेम भी याद रखो। नेक्स्ट अडैम्सिया, इट्स अ सी एनिमल, ये कौन सा है, ये पॉलिप है कि मेड्यूसा है, ऑब्वियसली नाम से दिख रहा है ना, ये सिलिंड्रिकल है और ऐसा है, तो ये क्या है, पॉलिप। वो था फाइलेसिया, क्या था पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, क्या था वो, था मेड्यूसा। राइट गाइस, ये क्या है, सी एनिमल, इसका कॉमन नेम क्या है, अडैम्सिया का सी एनिमल। आगे चलें, पेनाट्यूला ऑल्सो नोन एज सी पेन, पेनाट्यूला ऑल्सो नोन एज सी पेन। गाइस कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट और डायग्राम आएगा, मैं बता रहा हूं, ये याद कर लेना, ठीक है। देन गाइस गॉर्गोनिया सी फैन, सी का ये फैन है, गॉर्गोनिया सी का फैन है। गाइस एक बार में नहीं आएगा, इसको तीन चार बार आपको देखना पड़ेगा, गॉर्गोनिया सी का फैन है। बाहर से हेमंत सर कह रहे हैं आ जाओ बाहर। मियांड्रिना ब्रेन कोरल, गाइस ब्रेन की तरह है, मियांड्रिना को हम ब्रेन कोरल कहते हैं। कूल, बस आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है गाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ, अमेजिंग, यू ऑल आर सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। कंटिन्यूसली आप एक घंटा मेरे साथ पढ़े हो गाइस, इजी काम नहीं होता, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बच्चे चिल कर रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं और आप लोग बैठ के रोज पढ़ रहे हो हमारे साथ एक घंटा, एंड यू आर गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर ड्रीम गाइस, वेल डन गाइस, वेल डन, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, टू मेकिंग यू नो आर चैनल अ सक्सेसफुल चैनल, है ना, 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गया, आई कैन नॉट टेल यू, मैंने बताया चॉकलेट दूंगा बहुत जल्दी, आप आओ, ठीक है गाइस, तो यस कीप स्माइलिंग गाइस, वी विल हैव अ वंडरफुल सेशन, ठीक है, आफ्टर 5 का पंच करते हैं, थोड़ा बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, पंच करो अभी थोड़ा बहुत, 5 क्वेश्चन फिजिक्स में करो, ठीक है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, थोड़ा लेफ्ट को जैब कहते हैं, राइट को क्रॉस कहते हैं, ठीक है, आई गेस यही होता है, हाँ, लेफ्ट जैब होता है, राइट स्ट्रेट होता है या क्रॉस होता है, ठीक है, तो दैट्स बॉक्सिंग टिप फ्रॉम मी, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड इवनिंग, गुड डे अभी तो बढ़िया, एंड कीप स्माइलिंग गाइस, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद द फ्रेंड्स गाइस, आई सी इन द इवनिंग, ठीक है, मिलते हैं बाद में फिर से, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड इवनिंग, बाय, गुड डे।